और अब वक्त है देश की सबसे बड़ी बहस का। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। राफेल डील पर जिस अंदाज में सियासत हो रही है उसे देखकर यही शब्द सहन में आता है, अब की बार सियासी मर्यादा तार तार। क्योंकि पहले इसी डील को लेकर प्रधानमंत्री को चोर कहा गया और अब उन्हें भ्रष्ट कहते हुए इस्तीफा मांगा जा रहा है। सवाल किसी को चोर या भ्रष्ट कहने का नहीं है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन जो जरूर पूछा जाएगा कि एक मौजूदा प्रधानमंत्री को चोर या भ्रष्टाचारी कहने का सर्टिफिकेट किस कोर्ट ने दे दिया है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन राहुल ने वार किया तो पलटवार भी जोरदार हुआ। बीजेपी ने राहुल को मस्करा राजकुमार बताते हुए, यानी क्लाउन प्रिंस बताते हुए कहा कि पूरा का पूरा गांधी परिवार भ्रष्ट है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि जिस राफेल डील पर अब शब्दों की झड़ी लगा दी गई है, क्या उसमें खोट है या फिर सिर्फ भ्रष्टाचार की खोखली चोट है? आज इसी पर होगी देश की सबसे दमदार बहस, देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार। प्रधानमंत्री जी के सामने भ्रष्टाचार हुआ है, देश में मेन मुद्दा भ्रष्टाचार का है, प्रधानमंत्री जी के सामने भ्रष्टाचार हुआ है। एलिगेशन लग रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा तो देना चाहिए। राफेल विवाद में पीएम मोदी पर ये अब तक का सबसे खुला प्रहार है। प्रधानमंत्री से लोकसभा में हमने सवाल पूछे, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। पहली बार किसी विपक्षी नेता ने खुले तौर पर पीएम मोदी को भ्रष्ट कहा है। हालांकि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी समेत समूची कांग्रेस पीएम मोदी को चौकीदार चोर कहकर वार कर रही थी। पता नहीं क्या बड़ी इमरजेंसी है फ्रांस में। लेकिन राहुल के इस वार पर बीजेपी ने भी जबरदस्त प्रहार किया। पूरा गांधी परिवार भ्रष्ट है, दो लोग बेल पे बाहर है, माँ बेटे, और एक के चोरी के विषय में जितना कहा जाए रॉबर्ट वाड्रा उतना कम है। पूरा परिवार भ्रष्ट परिवार है और दूसरों की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। क्लाउन प्रिंस ने आज पुनः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, यह उनकी आदत बन चुकी है। बोफर्स में उनके पिताजी फंस गए तो सबको चाहते हैं कि बोफर्स ही है। राफेल को लेकर दो बड़ी खबरें सामने हैं। पहले फ्रांस की मीडिया ने दावा किया कि ऑफसेट पार्टनर के तौर पर राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट को सिर्फ एक कंपनी का विकल्प दिया गया। हालांकि कंपनी ने खुद अपने बयान में कहा कि ऑफसेट पार्टनर के तौर पर किसी भी कंपनी को चुनने के लिए डसॉल्ट स्वतंत्र था। जीप से लेकर जीजा जी तक के करप्शन की विरासत कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के गले में बंधी हुई है। करप्शन के कुएं से निकल रहा हर कंकाल मेड इन कांग्रेस पार्टी बता रहा है, मेड इन कांग्रेस है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी तीन मौकों पर राफेल की तीन अलग अलग कीमत बताने को लेकर राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार किया। हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। विश हूएवर इज ब्रीफिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एटलीस्ट ब्रीफ्स हिम ऑन व्हाट्स व्हाट एंड अगेन ऑफ कोर्स even the basic price, his own basic price, he quotes differently in different places. मगर हिंदुस्तान ने 700 करोड़ रुपए हवाई जहाज के लिए 1500 करोड़ दिए हैं। हवाई जहाज का दाम 540 करोड़ प्रति हवाई जहाज से बढ़ाकर तकरीबन 1600 करोड़ प्रति हवाई जहाज हो जाता है। सवाल ये है कि राफेल डील में वाकई दाल में कुछ काला है या फिर कांग्रेस सिर्फ चुनावी लाभ के लिए सरकार पर बेवजह वार कर रही है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी डिबेट, राफेल डील में खोट या भ्रष्टाचार की खोखली चोट। और अब विश्लेषण सुनिए, सियासी मर्यादा पर चोट का विश्लेषण। तार तार होती हुई सियासी मर्यादा, पहले पीएम को कहा गया चोर, अब बोला भ्रष्ट। सियासी लाभ के लिए पीएम पद की गरिमा पर वार है। बिना किसी आधार के पीएम को चोर कहना गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिव्या स्पंदना जो कांग्रेस की आईटी हेड है, उन्होंने तो पीएम के माथे पर फोटो पर चोर लिख दिया था, जिसका जवाब पूरी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है।
पीएम के अपमान से क्या बढ़ेगा देश का मान? आखिर में हम ये सवाल ये पूछते हैं और सीधा रुख करते हैं अपने पैनलिस्ट का। मेरे साथ में तमाम कद्दावर लोग हैं। डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी राहुल गांधी के पलटवार के अंदर। गौरव वल्लभ है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ निर्दोष त्यागी है, पूर्व एयर मार्शल, बारीकी समझाएंगे इसकी कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। और इस देश के वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह मेरे साथ है, लेकिन आज राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला भी बैठे थे, वो भी हमारे साथ मौजूद है। पहले रणदीप सुरजेवाला से बात करते हैं कि आखिरकार चोर और भ्रष्ट कहने की मजबूरी क्यों है इनकी, और क्या ये सियासी मर्यादा तार तार नहीं है। और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद है कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड CWC मेंबर रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला, आपका स्वागत है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, रफेल पर आपने पीएम को भ्रष्ट कहा है, यानी राहुल गांधी ने पीएम को भ्रष्ट कहा है, उससे पहले चोर भी कहा था, किस आधार पर यह सब कुछ कहा जा रहा है? क्या किसी साबूत के आधार पर यह तय हुआ है या फिर यह आपका पॉलिटिकल स्टंट है? अमीश भाई, तीन बातें बड़ी साफ हैं। कांग्रेस यूपीए की सरकार जो जहाज 526 करोड़ में खरीद रही थी अंतर्राष्ट्रीय टेंडर के माध्यम से, मोदी जी ने उस टेंडर को कैंसिल कर वही जहाज 1670 करोड़ में खरीद देश के राजस्व को, देश के खजाने को, जनता के पैसे को 41,000 करोड़ का चूना लगाया। 126 जहाज की हमारी एयरफोर्स को जरूरत है, उनकी संख्या को कम करके 36 कर दिया। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट, यानी जितने पैसे का कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कंपनी को मिलता है उसका आधा भारत में निवेश के तौर पर आता है, ये हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मोदी जी ने वो कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अपने मित्र की कंपनी रिलायंस डिफेंस अनिल अंबानी को दे दिया, जो 12 दिन पहले बनी। मैं आप कह रहे हैं कि फ्रांस की मीडिया का आप दावा बता रहे हैं, लेकिन खुद डेसॉल्ट कंपनी ने कहा है कि पार्टनर के तौर पर सिर्फ एक कंपनी एक विकल्प जैसी बात नहीं थी, किसी भी कंपनी को चुनने के लिए डेसॉल्ट स्वतंत्र थी, ये खुद डेसॉल्ट कंपनी ने कहा है। अब इस पर आपकी राय क्या है, इस पर आपकी सफाई क्या है? अमीश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज डेसॉल्ट कंपनी को 62,000 करोड़ का सबसे बड़ा डिफेंस का ठेका हिंदुस्तान की सरकार से मिल रहा है, इसलिए जो भी मोदी जी कहेंगे, जैसे उन्होंने रिलायंस को ठेका दिलवा दिया सरकारी कंपनी HAL को दरकिनार कर, उनको कहना पड़ेगा। पर यह उनका इंटरनल डॉक्यूमेंट है उसी डेसॉल्ट कंपनी का, जो उनके दूसरे सबसे बड़े अधिकारी ने कहा, और उसमें उन्होंने कहा, मैं ये आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं जी, और जी, आपको उपलब्ध है। जी जी, एक 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 सवाल जो कि बड़ा वाजिब है, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि रफेल पर सियासत चमकाने के चलते राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, जो कि आपके प्रेसिडेंट भी है, क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा, पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह वार करा। भारतीय जनता पार्टी, अमीश जी, केवल गाली गलौज की भाषा में बात कर सकती है, तर्क का जवाब नहीं देती। दो छोटी छोटी बातें हैं जी। जब 10 अप्रैल 2015 को 36 रफेल जहाज खरीद की बात हुई, तो उस कमरे में या तो नरेंद्र मोदी साहब थे या फ्रांस के उस समय के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलैंड थे जी। उन्होंने कह दिया कि मोदी जी ने मुझसे ये दबाव डालकर और अनिल अंबानी की कंपनी को ये डील दिलवाई थी, पर मोदी जी चुप हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, आप कह रहे हैं घोटाला है और आप प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चोर तक कह चुके हैं, आज भ्रष्ट कह दिया। दिव्या स्पंदना ने जो पोला कहा वो मर्यादा के बिल्कुल अलग था। क्या आपको लगता है, क्योंकि अब बीजेपी भी बहुत एग्रेसिव है इस विषय को लेकर, ये विषय पॉलिटिकली क्या अब जो तीन विधानसभा के चुनावों में है उसमें उठेगा और जबरदस्त तरीके से उठेगा ये माना जाए? राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र हितों से जुड़ा हुआ है, और आम जनता जिसकी जेब से ये पैसा लूटा है, सरकारी खजाने की जो मालिक है, वो जवाब चाहती है इन प्रांतों में। पर ये आपके लिए पॉलिटिकल सीधी है, ये आपके लिए पॉलिटिकल। रणदीप, आप पॉलिटिकल खिलाड़ी भी हैं, क्या ये आपके लिए पॉलिटिकल चांस है बड़ा बीजेपी के ऊपर प्रेशर माउंट करने का, प्रेजेंट बीजेपी रिजीम पे प्रेजेंट प्रेशर माउंट करने का एज अ पॉलिटिकल लीडर? व्हाट इज योर टेक? मैं राजनीति से ऊपर उठकर एक बात कहूंगा, मोदी जी कहा करते थे मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जी, अब वो खाऊंगा और खिलाऊंगा में बदल गया है।
तो ये थी रणदीप सुरजेवाला से एक्सक्लूसिव बातचीत, मेरे साथ गौरव वल्लभ है, संबित पात्रा है, एयर अपूर्व मार्शल निर्दोष अज्ञेय शेष नारायण सिंह है। संबित पात्रा, रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, जो आपने आपने खुद अटैक करा राहुल गांधी को कि राहुल गांधी का पूरा परिवार भ्रष्ट है और राहुल गांधी लॉन्च होना चाहते हैं, ये मर्यादा को तार तार करने वाला है, ना कि भ्रष्ट, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है। संबित पात्रा, रणदीप की बातों का जवाब। देखिए, रणदीप हो या राहुल हो, आप बताइए कौन से विषय का जवाब चाहिए, किस प्रकार से ये झूठ परोसते हैं। इन्होंने कहा कि सीक्रेसी क्लॉज को लेकर, याद करिए जिस दिन नो कॉन्फिडेंस का मोशन चल रहा था, कि सीक्रेसी क्लॉज को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने इनके कान में कहा था कि आज भी राहुल ने कहा कुछ नहीं है, आप सब कुछ सार्वजनिक कर सकते हैं, आज भी कहा। मगर आप याद करिए, तमाम उसके कुछ चंद घंटों के पश्चात फ्रांस की सरकार ने एक चिट्ठी जारी की और कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल फ्रांस के राष्ट्रपति ने नहीं कहा था, मैक्रोन ने नहीं कहा था। तो राहुल गांधी का झूठ तो तब भी पकड़ा गया था, मगर बार बार झूठ कहना। जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, एक बात मुझे समझ में नहीं आता है, अगर सब कुछ इनका बढ़िया था, प्राइसिंग भी हो गया था, सब कुछ एकदम HAL भी राजी हो गई थी, तो ये बैठे क्यों हुए थे 10 वर्षों से, क्यों बैठे हुए थे 10 वर्षों से, ले आते रफाइल। आपको एक बात जानना पड़ेगा कि गांधी परिवार का एक ही ध्येय है कि किसी भी डील में जब तक गांधी परिवार को कमीशन नहीं मिलता है, दलाली नहीं मिलती है, तब तक गांधी परिवार एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाता। दलाली नहीं मिली इसलिए 10 वर्षों तक काम किया नहीं। जब मोदी जी की सरकार आई, पहली बार 2015 में मोदी जी जब फ्रांस गए तो वहां कोई डील नहीं हस्ताक्षर किया, वहां पर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दिया कि हां, हमारे देश की सुरक्षा के लिए हम 2 स्क्वाड्रन अर्थात 36, कांग्रेस केवल 18 अर्थात 1 स्क्वाड्रन की बात कर रही थी, हमने कहा 2 स्क्वाड्रन लेंगे। उसके बाद तमाम जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर होता है, DPP होती है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज होता है, उन सब से अप्रूवल होने के पश्चात तब जाके ठीक है। सब समित, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा गया है कांग्रेस द्वारा, डेढ़ वर्षों के प्रधानमंत्री का, समित आपको मैंने समय दिया, आपने अपनी बात को रखा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा गया है। गौरव वल्लभ, मैं आपके पास चलता हूं। संबित पात्रा का अटैक है राहुल गांधी के ऊपर, जो राहुल गांधी के पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। राहुल गांधी ने 2014 से पहले हुए सभी सौदों में पैसे कमाए हैं, निर्लज्जता से बार बार झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। संबित पात्रा ने पलटवार करा राहुल गांधी के ऊपर, जिनका पूरा परिवार भ्रष्ट है, वो दूसरों पर क्या पर उठा रहे हैं उंगली, देश की रक्षा को खतरे में डाल रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहना चाहते हैं आप? निर्लज्जता शब्द का भी इस्तेमाल हुआ। मैं भाजपा के कोई व्यक्ति का 1-to-1 जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो जिस स्तर पे बोलते हैं कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। पर हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका एक का भी जवाब नहीं देंगे। 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में क्यों खरीदा गया नहीं बताएंगे, क्या डिफेंस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस की अवहेलना क्यों हुई नहीं बताएंगे, 30,000 करोड़ का ठेका अपने दोस्त को क्यों दिया नहीं बताएंगे। अब तो वहां का मीडिया पार्ट, जो कि वहां का डिटेक्टिव जर्नल है, वो बोल रहा है कि जो डेसोल्ट एविएशन है उसके ऊपर बाध्यता थी कि ये ठेका 30,000 करोड़ का किसको दिया जाए, रिलायंस एविएशन को क्यों दिया जाए भाई, 12 दिन पुरानी कंपनी को ठेका दिया जाए, और किससे लेके दिया जाए, जिस कंपनी का हवाई जहाज डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाने का 70 वर्षों का अनुभव है, उससे लेके 12 दिन पुरानी क्यों देना चाहते हो, ऐसा आपकी क्या दोस्ती है भैया? दोस्ती सरकार से तो, सरकार की दोस्ती जनता से होनी चाहिए, यह अंबानी से दोस्ती काम की नहीं है। वोट आपने, हमने आपको दिया था, अंबानी के वोट से आप नहीं बैठे हो, आप जनता के चौकीदार हो, अंबानी के नहीं, आप हमारा जवाब दो, आप जवाब दे दो, एक्चुअल बात करनी चाहिए, रेटोरिक में नहीं आना चाहिए। जनता के सामने बोलो कि हम भ्रष्ट हैं, हम इस्तीफा देना चाहते हैं, ये बोलो। ओके, संबित पात्रा, ये बोलिया भ्रष्ट है और आप इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन डसॉल्ट कंपनी ने कहा है कि पार्टनर के तौर पर सिर्फ एक कंपनी के विकल्प, जैसी बात बिल्कुल गलत है, किसी भी कंपनी को चुनने के लिए डसॉल्ट स्वतंत्र था, ये डसॉल्ट की तरफ से कहा गया। संबित पात्रा, नाउ योर रिस्पॉन्स, प्राइम मिनिस्टर भ्रष्ट है, इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा वार है, और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अब की सरकार के अंदर सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है? संबित पात्रा, मैं सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, इट इज अ बिग पॉलिटिकल क्राइसिस फॉर भारतीय जनता पार्टी?
अमीश जी, क्लाउन प्रिंस, मस्खरे राजकुमार कुछ बोलेंगे और वो हमारे लिए क्राइसिस हो जाएगा, कैसी बातें करते हैं। देखिए कैसे झूठ बोला जाता है। क्लाउन प्रिंस ने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए एक कंपनी अर्थात रिलायंस के जेब में डाल दिया गया, अंबानी के जेब में डाल दिया गया। आप जानते हैं ऑफसेट क्लॉज 30,000 करोड़ का जो है वो 72 कंपनी जिसका पूरा का पूरा, बहुत सारी काइनेटिक कंपनी है, एलएनटी कंपनी है, महिंद्रा कंपनी है, उन सब का उल्लेख डसॉ ने अपने चिट्ठी में किया। 72 के बाद और 100 ऐसी कंपनी है जिनके साथ इसी 30,000 करोड़ के लिए डसॉ बातचीत कर रही है। इसे ऑफसेट क्लॉज कहते हैं कि 30% आप निवेश हिंदुस्तान में भी करेंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये रूल किसने बनाया था? 2005 में यूपीए की सरकार ने बनाया था कि जो भी आप खरीद करोगे उसका 30% ऑफसेट क्लॉज में हिंदुस्तान की कंपनी। मैं कहूंगा चैलेंज करके आप दिखा दीजिए कि 30,000 करोड़ रुपए एक कंपनी को दे दी गई, कहां लिखा हुआ है, कौन से मीडिया जनरल। क्या आप लोग, क्या आपके आंकड़ों में पुख्ता नहीं, क्या गौरव वल्लभ आपके आंकड़ों में दम नहीं है, या फिर आप सिर्फ राहुल गांधी को पॉलिटिकली लॉन्च करना चाहते हैं राफेल के सहारे? क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं आपके तथ्यों में बार बार उलट पलट हो जाता है, दैट्स द होल पॉइंट। आप एक एक बता रहा हूं ना, मैं बात बता रहा हूं ना, इनको पता नहीं है ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट 30,000 करोड़ का नहीं है। संबित भाई थोड़ा तैयारी करके आओ, 36,000 करोड़ का है, उसमें से 30,000 करोड़ का आपके जो मित्र है अनिल भाई अंबानी उनको मिला है, ये समस्या आपको पता नहीं है। दूसरी चीज, आज मीडिया पार्ट क्या बोल रहा है, रिलायंस ग्रुप वाज ए कंपनसेशन फॉर द परचेज ऑफ राफेल, ये सीईओ बोल रहा है डसॉल्ट एविएशन का, फिर भी ये बोल रहे हैं कि सब हम। अरे भैया जब आप इतने दूध के धुले हो तो क्यों नहीं जेपीसी का गठन कर दो, आपने ही आदमी को चेयरमैन बना दो, अपने ही लोगों को मेंबर बना दो और दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी पर, हो जाए। पर सुप्रीम कोर्ट में तो मैटर क्या था गौरव वल्लभ, सुप्रीम कोर्ट में तो गया था, वहां पर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में तो मैटर क्या था गौरव वल्लभ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, नतीजा क्या निकला सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट में तो गए थी ना, तीन पीआईएल थी सुप्रीम कोर्ट में, तीन पीआईएल थी, नतीजा क्या निकला ये भी देश को बताइए आप। अरे भैया हाँ बताइए क्या हुआ वहां पर। अमीश भाई आप अमीश भाई आप इतने बिजनेस, आप बिजनेस के बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप सब चीजें समझते हैं। वो जो पीआईएल है उसमें सरकार ने बोल दिया कि सीक्रेट चीजें हम बता नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ प्रोसेस के बारे में पूछेगी क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट आप दे नहीं रहे, पर जेपीसी को जवाब नहीं दे सकते, यही तो समस्या ये सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी दस सेकंड में इसका जवाब। देखिए मैं ऐसी ओछी बात, ये तो पात्रा जी तो क्या जोकर आदमी है, नहीं जोकर गलत कुछ है, भी बोले जोकर का जवाब नहीं दिया जा सकता भाई, मैं इनकी बातों का जवाब नहीं, ये जोकर कर दूं तो नहीं, आपको मैं कुछ कहना शुरू कर दूं तो अरे बोल दो भाई, मैं आपकी जवाब नहीं दे सकता क्योंकि आप तो जोकर की तरह अभी बातें करोगे, तीन चार चीजें और बोल दोगे। मेरी चीजों का जवाब दो, तक्तियों का जवाब दो, तक्तियों का 30,000 करोड़ का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट आपकी नहीं, बड़ा जोकर कोई है कि नहीं, ये चीजों को मत बदलाओ। 30,000 करोड़ अपने दोस्त को दिए कि नहीं बताओ ये देश को, और क्यों सीईओ डसॉल्ट डेविएशन का बोल रहा कि हमारे ऊपर दबाव था कि ये ठेका अनिल अंबानी जी को दिया जाए। सब देख लिया, गौरव वल्लभ आपने अपनी बात को रख लिया, मुझे लगता है ना आपको जोकर कहना चाहिए ना संबित पात्रा, आपको राहुल गांधी को जोकर कहना चाहिए, मुझे लगता है मर्यादा होनी चाहिए। दिव्या स्पंदना ने तो प्रधानमंत्री को चोर उनके माथे पे लिख दिया था, जो फोटो ट्वीट करी थी वो भी गलत था, वो भी गलत भाई, इनको तैयारी है नहीं 36,000 करोड़। गौरव वल्लभ सारी तैयारी आपकी, आप सुन भी लीजिए जवाब, गौरव वल्लभ आप जवाब भी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का कह रहे, सुप्रीम कोर्ट सरकार की बातों में आ रहा है और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की बातों में आ रहा है, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, ये बड़ा डिफरेंट, बहुत डिफरेंट बात आपने बोली। सबित पात्रा 30 सेकंड डिबेटल, सबित पात्रा 30 सेकंड डिबेटल, इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट डिबेट, सबित पात्रा योर टर्न। इतने वरिष्ठ हो के आप ऐसी बात कर रहे हो, ये शांत हो जाएंगे। ठीक है गौरव वल्लभ, अपनी टर्न का इंतजार करिए, बाकी दो पैनलिस्ट भी मेरे साथ हैं। के पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी सरकार ने देगा, उस प्रकार चिल्लाने से लगातार मैं किस प्रकार जेपीसी को ये नहीं बरगला सकते। ठीक है संबित पात्रा, संबित पात्रा कांग्रेस इसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। सुनिए सुनिए
सुनिए, यहाँ पर दो बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, पूर्व डेप्यूटी एयर चीफ मार्शल भी बैठे हुए, हम तो छोटे छोटे प्रवक्ता हैं। ये HAL के विषय में कांग्रेस पार्टी और क्लाउन प्रिंस कहते हैं। HAL में आप बताइए, जो नोशनल डील था HAL में डील हो गई थी कांग्रेस पार्टी के समय। HAL के साथ जो डसौ की बात हुई, डसौ ने कहा कि HAL में जो मैन्युफैक्चर होगा, अगर मैन्युफैक्चर होगा रफाइल तो हम उसकी गारंटी नहीं लेंगे। दूसरा, डसौ ने कहा 3 करोड़ मैन पावर आवर हम देने को तैयार है। HAL ने कहा 9 करोड़ मैन पावर आवर से अधिक समय लगेगा, इसलिए ये डील नहीं हो पाया। जिस डील के विषय में कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, वो डील तो 27 जून 2012 को AK एंटनी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, खारिज कर दिया था। खुद AK एंटनी ने कहा था हमारे पास 20,000 करोड़ रुपए नहीं है, इसलिए हम रफाइल खरीद नहीं सकते। जो अगली सरकार आएगी वो इस पर चिंता करेगी। ये यहां बैठ के सुबह से शाम तक क्लाउन प्रिंस चिल्लाते क्यों रहते हैं? जस्ट बिकॉज द कंट्री डज नॉट टेक अ नोट ऑफ राहुल गांधी, यहां बैठ के अनर्गल झूठ बोलने का काम करेंगे। 72 कंपनियां हैं और ऑफसेट क्लॉज में, मैं चैलेंज करके कहता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि केवल एक कंपनी है। राहुल गांधी को OEM का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं, मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी को, OEM का फुल फॉर्म मालूम है राहुल गांधी को? 30,000 करोड़ का है टोटल ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से 30,000 करोड़ आपके दोस्त अनिल अंबानी जी को है। प्रभु, ये ध्यान रखिए, और जो मई 11 मई 2017 को नागपुर में सीईओ क्या बोल रहे हैं डेसॉल्ट के, ये कॉम्पनसेशन है? अरे कौन सा कॉम्पनसेशन है, ये कौन सा रिश्ता है कि सवाल आप ना सरकार से पूछते जवाब अंबानी जी देते हैं, ये रिश्ता क्या है? मुझे नेम ड्रॉपिंग नहीं करनी चाहिए, आप कंपनी का नाम लीजिए। नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, मुझे लगता है नेम ड्रॉपिंग ऐसे नहीं करनी चाहिए। और आप गौरव वल्लभ, आप वरिष्ठ आदमी है, मुझे लगता है कि आपको भी नेम ड्रॉपिंग ऐसे नहीं करनी चाहिए। यू शुड नेम द कंपनी इफ यू वांट टू डू, इफ यू वांट दैट। ओके सबमिट, होल्ड ऑन शेष नारायण भाई, मैं आपको यही तो ठीक है। ओके सबमिट, यू गॉट योर चांस, सबमिट यू गॉट योर चांस, शेष नारायण सिंह का चांस है। इट्स बीन 18 मिनट, डिबेट हैज बीन स्टार्टेड, अब निर्दोष त्याग किया, अभी तक बहस भी नहीं आए। शेष नारायण सिंह है, शेष नारायण सिंह, प्राइम मिनिस्टर को भ्रष्ट कहा गया, उससे पहले चोर कहा गया, आज इस्तीफे की भी बात हुई। पलट के संबित पात्रा जो हमारे पैनल में बैठे हैं, ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये बड़े साफ तौर पर कहा कि निर्लजता से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है क्योंकि इनको पैसे नहीं मिले। नहीं, पॉलिटिकल नैरेटिव की जो भाषा है वो तो चिंता का विषय है ही है, और भाषा जब इस स्तर पर जाएगी तो उसका खामियाजा होगा। उसमें असली नुकसान ये होता है कि जो बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल वो सब गाली गलौज में खत्म हो जाती हैं, तो वो नहीं आ रही हैं। अच्छा, राफेल की फ्लाइट किसको झटके दे रही है फिलहाल? नहीं, झटके तो संबित पात्रा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको गौर से सुना है मैंने जी। और संबित पात्रा वॉज एट हिज डिफेंडिंग बेस्ट, उनको हमला भी कर रहे थे, अपना डिफेंस भी कर रहे थे, सब कुछ था। निर्मला भी वहाँ गई, निर्मला उनकी रक्षा मंत्री भी वहाँ गई जी। तो उनको अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर पूछ लिया है, तो झटका तो अभी इट्स टू अर्ली टू से। ओके, लेकिन कांग्रेस की कोशिश मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपोजिशन ने VP सिंह और BJP ने बोफोर्स को जिस तरह से बिल्डअप किया था, लेकिन उस बोफोर्स का बड़ा नुकसान हुआ, 30 साल तक हमारे यहाँ पर एक तोप नहीं आई। नहीं तो आयु तो कारगिल में वही तो यूज हुआ, वही इस्तेमाल हाँ। हुई, लेकिन उसके बाद कोई तोप नहीं आई, नुकसान ही हुआ देश की सुरक्षा के। अरे नहीं, उसमें तो राजीव गांधी ने तुरंत कह दिया कि मिडिलमैन नहीं रहेंगे। मिडिलमैन एक्चुअली जो है वो एडवाइस करते हैं जी जी, तो वो तमाम चीजें थी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसमें जो जो बीजेपी को जो इनके सवाल हैं, ये सवाल तो पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं, अपोजिशन है, उनके पास प्रिविलेज है जी कि सवालों को उछाल देने का और जवाब से मतलब न रखने का, लेकिन बीजेपी को जवाब तो देना पड़ेगा। और इनको कन्विंसिंग आर्गूमेंट, क्योंकि संबित पात्रा ने उनको भ्रष्ट कहा, उनको खानदानी भ्रष्ट कहा, पूरे कुनबे को भ्रष्ट कहा जी जी, वो चीजें कहीं रजिस्टर नहीं होती। ठीक है, मैं निर्दोष त्यागी की बात आता हूँ। निर्दोष त्यागी, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल शोर सुनाई दे रहा है, कोई प्रधानमंत्री को इस पूरे विषय पर चोर कह रहा है, भ्रष्ट कह रहा है। मैं जानना चाहता हूं, आप प्रकाश डालें, आपके अनुसार सही क्या है, गलत क्या है? मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, जो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं और जो पॉलिटिकली जवाब दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, यानी बीजेपी की ओर से, और कांग्रेस जिस तरह के सवाल खड़े कर रही है, निर्दोष त्यागी, क्योंकि आप इन प्रोसीजर से डील कर चुके हैं, यू आर अ वेटरन इन दिस फील्ड। देखिए, 5 जी हाँ, इसमें 5 खास बातें हैं, मैं एक एक करके सबके जवाब दूंगा।
पहली चीज़ है कि क्या दाम सही है। तो जो पहले 126 का टेंडर था उसमें कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका था, फाइनलाइज नहीं हो पाया था, तो उसका प्राइस क्या था ये तो पता था। तो उसी के बेसिस पे अगर कोई डील होगी तो उसका प्राइस उससे बहुत फ़र्क नहीं हो सकता है। कुछ ही चीज़ों में नेगोशिएट करके कम लाया जा सकता है, पर उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट फाइनेंशियल जनरल फाइनेंशियल रेगुलेशन से परमिट ही नहीं करते हैं जी, कि कोई उसमें कोई मुझे शक नहीं है। तो जो जो पहले 126 में खरीदा जा रहा था और जो 36 में खरीदा जा रहा है वो एक ही नहीं है, वो मिक्स एक नहीं है। देखिए उसके वेपन सिस्टम्स, उसके जो फैसिलिटी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये सब, उनका रेशियो सेम नहीं है। तो उन दोनों की तुलना आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको पूरे डिटेल का पूरे डिटेल्स नहीं पता हो। दूसरी चीज़ है जो कि आज का मुद्दा है, खास अबाउट मीडिया पार्ट की जो रिपोर्ट है, फ्रेंच रिपोर्ट, वो रिपोर्ट है एक ब्रीफिंग जो है, जो कि दसों का एक सीनियर अधिकारी अपने लेबर यूनियन को कर रहा है और वो उन्हें ये समझा रहा है कि ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लग रहा है पार्टनरशिप में, वो वहाँ क्यों जा रहा है, यहाँ लगने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे उतने ही क्या कहते हैं जो उतना काम कम होगा फ्रांस में। तो ये जो है इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जा रहा है। देखिए उस उन्होंने क्या बोला है, बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं आप। फ्रेंच मीडिया के अगर आप और रिपोर्ट्स को पढ़ें तो उसमें ये बात स्पष्ट की जा चुकी है जी, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं निर्दोष त्यागी, कि ये जो स्टेटमेंट है इसको आउट ऑफ कंटेस्ट कोट किया जा रहा है आपके मायने में, बिल्कुल सरल भाषा में आपके मायने में ये है क्या? 15 सेकंड में आपको देता हूं, 15 सेकंड में आपको देता हूं, 15 सेकंड 15 सेकंड में मैं नहीं समझा पाऊंगा, पर मैं ये सिर्फ ये बता दूं कि ये फ्रेंच रिपोर्ट्स जो हैं उसमें काफ़ी मुद्दा आ चुका है कि ये पुरानी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट एक उनका इंटरनल मैटर है। अच्छा, ऑफसेट में जो होता है ऑब्लिगेशंस, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनर, काउंटर पार्ट, ये सारे नॉर्मल टर्म्स हैं। ऑब्लिगेशन तो ये टर्म्स ऐसे नहीं है कि जिनके ऊपर कोई उछलना शुरू कर दे। ये टर्म्स हैं जो कि लैंग्वेज को जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और कर देते हैं। ये बड़े बड़ी क्लियरली और बड़ी सिंपल रिपोर्ट है जी। वो इंडिया में इनॉग्रेशन हुआ, उन्होंने जाके अपने लोगों को ब्रीफ किया कि क्या वजह है, क्योंकि इंडिया में क्यों सेटअप कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये जरूरी है, इस डील के फॉर्मर एयर मार्शल लाइव में दस हमारे साथ जो इस समय लाइव है वो बोल रहे हैं इस पे उछलने की जरूरत नहीं है, यानी आप पॉलिटिकल उतावलापन दिखा रहे हैं चुनावों के लिए। जवाब अब दिस इज अ वेरी, ये बड़ा क्लियर कट जवाब है। 40 सेकंड अब मैं एयर मार्शल कह सकता हूं उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए अमीश भाई, मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मैं उनको एक चीज बता रहा हूं। मार्शल साहब, एयर मार्शल साहब, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, वहां लिखा हुआ है कि इट इज ऑब्लिगेटरी एंड मैंडेटरी फॉर डेसॉल्ट एविएशन, मतलब डेसॉल्ट एविएशन बाध्य है किसको ठेका देने के लिए, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सेप्ट दिस कंपनसेशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द राफेल इंडिया एक्सपोर्ट डील। इससे ज्यादा एयर मार्शल साहब क्या क्लैरिटी से बोलेगा? वो बोल रहे हैं सीईओ जो कि डसॉल्ट एविएशन का दूसरा नंबर का आदमी है, वो बोल रहा है कि हम बात इसका जवाब दे दूं मैं जी, निर्देश दीजिए जवाब रिलायंस को देने के लिए। ठीक है, अगर ये निर्देश नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं तो ये ठेका फॉर्मर एयर मार्शल निर्देश के आगे कुछ कहना चाह रहे हैं कहीं चाहिए, उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि रिलायंस को देने को बाध्य है, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि हम ऑफसेट के लिए बाध्य हैं जी, मैं वहीं से। और हम अगर वो जैसे उनके 72 जी हाँ ये पढ़ी है, रिपोर्ट पढ़ी है मेरे पास, और उसमें जो फ्रेंच वो है वो भी वो उसका जो रिस्पांस है वो भी है, दसों का नहीं, जो फ्रेंच मीडिया का रिस्पांस है। इसमें देखिए सुनिए सुनिए आप मेरी बात सुनिए, मैं पहले पेज से गौरव गौरव आपको वापिस सुना देता हूं, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, आपने सुना दिया, उन्होंने सुन लिया, उनके पास भी वो पेपर पड़े हैं जी। मैं एयर मार्शल पॉलिटिकल जवाब तो सबमिट देंगे, लेकिन मुझे लगता है निर्दोष त्यागी को 10 सेकंड और दे देने चाहिए। बता देता हूँ शायद एयर मार्शल साहब की निगाह से वो लाइन चूक गई हो। नहीं ठीक है, अच्छा मार्शल साहब आपकी निगाह से लाइन चूक गई है, जो बात गौरव बल्लभ कह रहे हैं आप नहीं, आपने नहीं पढ़ी है लाइन, एक बार स्पेसिफाई कर दीजिए, एक बार क्लियरली बता दीजिए जनता को, स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि बार-बार चोरी और भ्रष्ट की बात हो रही है तो स्पष्ट हो जाए। जो इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हुआ है सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं जी, नहीं जो जो उसका जो फ्रेंच
वो है और उसका जो ट्रांसलेशन है उसको पढ़िए, उसमें कहीं पे भी बिग क्वेश्चन फॉर निर्दोष त्यागी फॉर्मर एयर मार्शल, बिग क्वेश्चन फॉर निर्दोष त्यागी फॉर्मर एयर मार्शल, होल्ड ऑन गौरव वल्लभ, निर्दोष त्यागी मेरा बड़ा सवाल आपसे, एक सेकंड निर्दोष त्यागी ऑन स्क्रीन, नो वन एज, नॉट संबित पात्रा, नॉट गौरव वल्लभ, नॉट शेष रैन सिंह, निर्दोष त्यागी मेरा बड़ा सवाल है और इस देश के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है राफेल में प्राइमा फेसी में भ्रष्टाचार हुआ है और ये भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री के हवाले से हुआ है जो एक पॉलिटिकल आरोप है? मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूं और जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा आप, निर्दोष त्यागी प्राइमा फेसी में आपको क्या लगता है? ऐसा है जी हाँ, एक तो पहली बात है प्राइस, देखिए प्राइमा फेसी तो मुझे मैं कई बार बोल चुका हूं, पर पहली चीज है कि प्राइस में मुझे लगता है कि कोई संभावना नहीं है कि उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी का के जो मेंबर्स होते हैं वे उनकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाती है अगर वो गलत कुछ उसमें करेंगे काम, वो ये किसी गवर्नमेंट के आने और जाने के बाद भी लायबिलिटी रहती है जी, जी, तो जी। कोई उसको नहीं, ऐसा कोई संभावना नहीं है कि जब आपको प्राइस पता है तो आप किसी ऊंचे प्राइस में नेगोशिएट कर दें, पहली बात। दूसरी बात है कि ऑफसेट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ऑफसेट में जो पेनल्टी होती है वो ओईएम को लगती है और OEM को चुनाव करते टाइम बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है कि जिसको वो सेलेक्ट कर रहा है वो कर पाएगा या नहीं। 5% पर ईयर फॉर अनफुलफिल्ड ऑफसेट ऑब्लिगेशंस, तो 5% काफी होता है और वो जो जो अनफुलफिल्ड है वो अगले साल को रोल ओवर हो जाता है, ठीक है, तो कौन पेनल्टी देना चाहेगा इस मार्जिन में, इस तरह के में। तीसरी बात, 30,000 करोड़ बोल रहे हैं, जरा इसको भी, इस पर भी ध्यान दीजिए, 30,000 करोड़ क्या है? 30,000 करोड़ इज ए काउंटर ट्रेड इन इंडिया, ठीक है, सब 30,000 करोड़ में दासो, थालेस और सैफरन तीन कंपनियां हैं, दासो का शेयर जहां तक मैंने मीडिया में पढ़ा है 8,400 करोड़ है, 8,400 करोड़ 8 से 10 साल के बीच में इतना सामान वो खरीदेंगे यहां से, और उसका मतलब है करीब लगभग 800 रुपए एक साल का, 800 रुपए में कितना प्रॉफिट हो सकता है? 800 रुपए में होगा प्रॉफिट करीब 80 करोड़। बहुत विस्तार से समझाई गई है फॉर्मर एयर मार्शल द्वारा, निर्दोष त्यागी द्वारा, उससे आप क्या समझते हैं? नहीं नहीं, ये तो सारी कांग्रेस की जो नैरेटिव है उसको ही पलट गया ना, तो क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जी, वो ये सारा सामान वो खरीदेंगे हम, मतलब एक सौदा गारंटी किया गया है, ठीक है, क्या लेकिन कांग्रेस पॉलिटिकल गेम खेल रही है? तो वो तो खेलेंगे, तो लेजिटिमेट है उनका, बिल्कुल ठीक है, ओके ओके, क्या 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 कंट्री की कॉस्ट के ऊपर पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं गौरव वल्लभ आप लोग? क्योंकि निर्दोष त्यागी ने बहुत स्पष्ट रूप से कई बातें बोली कि भ्रष्टाचार फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। मैं त्यागी जी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो हमारे सैनिक है, हमारी आन बान शान सब कुछ है, पर मैं तो एक लाइन मीडिया पार्ट से पढ़ रहा हूँ, मई 11 2017 नागपुर में ये लाइन COO है जो डेसॉल्ट एविएशन के, उन्होंने बोली, डेसॉल्ट रिलायंस एरो स्पेस का JV प्रेजेंटेशन चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने बोला इट वॉज इम्पेरेटिव एंड ऑब्लिगेटरी, मतलब हम बाध्य हैं ये करने के लिए जी, फॉर डेसॉल्ट एविएशन टू एक्सेप्ट दिस कंपनसेशन। क्या कंपनसेशन? कि ये ठेका रिलायंस अनिल अंबानी जी को दिया जाए। सर उसी की बात को क्लैरिफाई कर दिया, उसी बात को क्लैरिफाई कर दिया, एक बार नहीं तीन बार ही क्लैरिफाई करा निर्दोष त्यागी ने, जो किसी पार्टी के नहीं है, ना बीजेपी के है, ना कांग्रेस के है, ना किसी और दल के है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो बात आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं वो डिफ्यूज कर दिया निर्दोष त्यागी ने इसी डिबेट के अंदर। आपने इस बात को चार बार ही बोला निर्दोष त्यागी के सामने और उन्होंने तीन बार इसको डिफ्यूज करा। आप एक पॉलिटिकल बम फोड़ना चाहते हैं जिस पॉलिटिकल बम को डिफ्यूज करा गया है, अभी एक एक्सपर्ट द्वारा डिफ्यूज किया गया है। नहीं सर, नहीं त्यागी जी, नहीं सर, नहीं, पर मुझे उस लाइन का मतलब बता दे जो मीडिया पार्ट में छपी है जिसमें लिखा हुआ कि हम बाध्य थे ये ठेका देने के लिए रिलायंस को, ये व्हाट इज द पॉलिटिकल, व्हाट इज द पॉलिटिकल नैरेटिव कांग्रेस वांट्स टू बिल्ड? देखिए अमीश भाई, एक बात समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट में कल कुछ लोगों ने PIL लगाया था, PIL का डिमांड किया था कि इसको खारिज कर दो, इस पे भ्रष्टाचार है, प्राइस पता लगाओ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे दरकिनार कर दिया। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने दो बार कहा इट इज अ बेस्ट डील, इट इज अ गेम चेंजर, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी क्या एयर चीफ मार्शल और सुप्रीम कोर्ट दोनों से बड़े?
फ्रांस की सरकार ने चिट्ठी देकर कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, क्या फ्रांस की सरकार भी झूठी है? और तो और ये कौन सी चिट्ठी की बात कर रहे हैं, डसॉल की ओरिजिनल चिट्ठी आ गई कल, डसॉल ने रात को एक पूरी तरह से चिट्ठी जारी करके कहा कि ये जो कंपेंसेशन इत्यादि की बात कर रहे हैं इसमें 72 कंपनीज हैं और 100 कंपनियों के साथ बात हो रहा है, रिलायंस मात्र एक मिनिस्क्यूल स्मॉल पोर्शन है, जी, जी, महिंद्रा भी है, L&T भी है, बाकी सारी कंपनियां हैं। तो यहां पर राहुल गांधी झूठ पे झूठ, झूठ गौरव वल्लभ, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ बोल रही है जो बात बीजेपी कह रही है? 15 सेकंड गौरव वल्लभ आपका जवाब, 15 सेकंड। अमीश भाई मैं ये अपने जो भाजपा के मित्र हैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्यों सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहे हो भाई, क्यों एयर चीफ मार्शल के पीछे छुप रहे हो? JPC कराओ और देश को बताओ क्या भ्रष्टाचार हुआ, क्यों भागते रहते हो इधर से उधर? कभी आपसे सवाल पूछते अंबानी जी जवाब देते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते कोई ओलंडे साहब, अरे देश को बताओ JPC करा। ओके, JPC कराओ, देश को बताओ। मैं एक अंतराल ले रहा हूँ, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं आर पार का जबरदस्त एडिशन लाइव।